जैसे आपको कहा जाता है कि राम बोलो, बोलो तो राम बोलो, राम जैसे बोलो राम। देखो इसमें क्या लगा, खाली मुंह खोलना है और मुंह राम मैं। देखो मैं मेरे दांतों में पीला होते हुए मैं भी राम बोल पा रहा हूँ। चलो राम बुलवा देते हैं पहले। राम राजा राम सरल नहीं है, सीधा नहीं है। बोल सियावती रामचंद्र की, बोल वृंदावन कृष्णचंद्र की।
अब ये तो हुआ प्रॉब्लम राम नाम का और कृष्ण नाम का। अब आप दोनों की छवि देखो, छवि फोटो देखो, इधर यहाँ कृष्ण जी का फोटो है क्या? नहीं, कृष्ण जी का नहीं। अच्छा, राम जी का चित्र आप लगाओ देखो। तो राम जी क्या है? स्वरूप हुआ भगवान श्री राम का सीधा साधा स्वरूप, सीधा हाथ में धनुष है और सिर पर मुकुट है, वैजयंती माला है, सीधा तिलक है, सीधे खड़े हैं। भगवान कृष्ण का स्वरूप देखो, कस्तूरी निर्गम लाट भर के नासाग्रे हरिचंदनम कर, हरिचंदनम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगम हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तांबले गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते भोपाल चूड़ामणि। ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है। सीधे नदों खड़े हुए हैं, उन क्योंकि उनकी भंगिमा माँ भी त्रिभंगी भंगिमा है। अगर वेणु हाथ में लेकर के खड़े हैं तो गर्दन ऐसी करना पड़ेगा, तो कमर इधर जाएगी, फिर पैर इधर जाएंगे, त्रिभंगी। वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, ये कहना तो ठीक नहीं है, पर खड़े हुए नहीं है वो सीधे खड़े हुए, जबकि भगवान राम का स्वरूप सीधा, जबकि भगवान कृष्ण का त्रिभंगी, गर्दन इधर, वक्षस्थल इधर, कमर इधर, पैर इधर। ये भगवान, अच्छा भगवान श्री राम के वामांकारूढ़ सीता मुख कमल लोचनम नीरदावम। भगवान कृष्ण का क्या है? अभी क्या बोल रहे थे? गोप स्त्री परिवेष्टितो विजय थे, गोप की ब्रज नारियां भी उनके आसपास जो उनके उनके नारे थे। ऐसा भगवान राम को ऐसा पसंद नहीं है। अब आप देख लो, पसंद कर लो कि कौन सी कथा सुनोगे आप। अब ये तो रहा भगवान कृष्ण का स्वरूप, पर एक बात है, एक बात तो तारीफ करनी पड़ेगी। इनके हाथ में जो धनुष मध्य पद्मासन, इनके हाथ में धनुष जरूर है, लेकिन वो जो थे ना, वो तो इनसे भी दो कदम आगे इस मामले में थे कि खाली बांसुरी थी हाथ में, और पूरी महाभारत और पूरे सारी लीलाओं को खाली बांसुरी से ही रख दिया उन्होंने। ये तो है, पर ये रूप रंग तमाशा, ये तो देखिए ना थोड़ा, ये रूप रंग तमाशा जो है। अब ये तो हमने बताया नाम का, कि नाम देखो कितना सरल भगवान श्री राम का, उनका नाम कितना, जिसके दांत में दर्द हो वो तो कृष्ण बोल भी नहीं सकता, या जिसके दांत नकली दांत लगे हो हिलते हुए हो तो कृष्ण बोलते हो नाम मैंने दांत भी नहीं लगवा पाया। ये राम और कृष्ण। अब आगे एक कथा और सुनो, राम जी ने जन्म लिया नवमी तिथि मधुमास पुनीता। राम जी ने जन्म लिया नवमी तिथि को, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम नवमी को नहीं लेते, हम अष्टमी को लेते हैं। बोले नवमी में क्या? बोले नवमी देख लो, नौमी तिथि देखो, नौमी तिथि कितनी सीधी साधी है,
नौमी तिथि देखो द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी और नौमी देखो बिल्कुल मध्य में है एकादश तो पक्ष के पूरे मध्य में है और हमेशा शुक्ल पक्ष में है और अष्टमी जो है उसका स्वरूप भी अलग है। अब आप देखो कि नौमी तिथि देखो कितनी सरल है नौमी का नौ का पहाड़ा पड़ो आप देखो नौ एकम नौ और नौ दोनों अठारह अच्छा नौ दोनों अठारह अठारह में क्या बनी दो संख्या आई आठ आया और एक आया तो आठ और एक को जोड़ो तो नौ नौ हुआ। बहुत धन्यवाद आपको आपका पहाड़े खूब रटवा गए थे शायद तो नौ एकम नौ नौ दोनों चलो अगली संख्या देखते हैं शायद बदल जाए नौ त्री सत्ताईस सत्ताईस जोड़ के देखना नौ फिर भी नौ 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 त्री सत्ताईस तो उसमें भी नौ की नौ संख्या है। चलो अगली संख्या देखो तो नौ चुकू छत्तीस छत्तीस में छह और तीन आए संख्या बत्तीस का नौ 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 चुकू छत्तीस तो नौ पांच पैंतालीस में संख्या बदली क्या पांच और चार नौ पांच और चार नौ चल रही है अभी तक संख्या तो नौ पांच पैंतालीस नौ में छक चौवन चौवन में नौ नौ संख्या नहीं बदल रही है नौ छक चौवन और नौ में छक नौ सात तिरसठ तिरसठ देखना तो संख्या बदली क्या छह और तीन नौ छह और तीन नौ तिरसठ और नौ आठ बहत्तर बहत्तर में संख्या बदल गई क्या सात और नौ आठ बहत्तर नौ नौ कितनी संख्या बदली आठ और एक नौ और नौ नाम नब्बे शून्य हटाओ तो संख्या देखा ये है नौमी तिथि का महत्व। ऊपर से नीचे तक सीधे हैं भगवान श्री राम का जन्म और भगवान कृष्ण जी अष्टमी तिथि का तो फिर क्या चर्चा करना वही जैसे भगवान श्री कृष्ण करें टेढ़ी मेढ़ी स्थिति में वैसे ही वो तिथि चलेगी आठ एकम आठ आठ दोनों सोलह कितना हो गया सात देखो अब बड़े से शुरू हुए और घटना शुरू कर दिया आठ दोनों सोलह आठ तीन चौदह कितने हो गए छ आठ सात छ आठ का आठ आठ दो सोलह आठ तीन चौदह आठ को बत्तीस क्या हो गया पांच देखो ये क्या क्या वक्र स्वरूप ले रहे हैं देखो ऊपर से विराट रूप धारण किया नीचे छोड़ के आते जा रहे हैं आठ चुक आठ छः को बत्तीस आठ पंजे चालीस कितने हो गए चतुर्थी चार तो आठ सात छः चार इस तरह से कम होते जा रहे हैं आठ छः को बत्तीस आठ पंजे चालीस अब आठ छः के अड़तालीस अब क्या हुआ अब देखो अब अपना स्वरूप फिर बड़ा कर लिया अब एकदम से बड़ा कर लिया कितना आठ पंचाले आठ से अड़तालीस फिर अठ सतु फिर छप्पन ग्यारह दो छप्पन और छप्पन अठ अठ बहत्तर सात दो चौसठ और आठ नौ और आठ नाम। अब आप देखो भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब लोगों के लिए जो है क्योंकि तरह तरह के अन्न खा रहे हो तुम लोग तरह तरह के तेल तरह तरह के खाद्य पदार्थ घी का तुम लोग यज्ञ करते हो हवन करते हो भगवान ही मालिक है उस घी का और क्या क्या नैवेद्य प्रसाद बना बना के लाते हो भगवान ही मालिक है आपके खाद्यों का आपके सबका और ऐसी परिस्थिति में तो आपके लिए माताओं और बहनों और भाइयों एक ही चारा सही है आप सबके लिए एक ही चारा
एक ही चारा दिखता है आप लोग कृष्ण भजन, तो कृष्ण जी का जो जीवन चरित्र और वो चर्या है, भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम के अवतार हैं, जबकि भगवान राम जो है वो धर्म और मर्यादा के अवतार हैं। भगवान राम ने बचपन से लेकर के अपनी कौमार्य अवस्था तक प्रत्येक समय पर धर्म का पालन किया। अभी हर दशरथ जी ने कहा ही नहीं है कि तुम वन को जाओ, वो तो खाली उन्होंने पता कर लिया कि पिताजी जो है वो अपने अचेत क्यों है, तो कैकेयी ने कहा कि बात कुछ नहीं थी, मैंने ऐसा ऐसा बोला और उसके बाद से वो सीरियस हो गए, पता नहीं क्या बात है। तो इतना सुनते ही भगवान श्री राम जो थे वे वन को चले गए। और आज के युग में अगर हम जैसे पुत्रों को तो अगर कोई कहे भी कि आपको जितना दिया जाएगा इतना ये दिया जाएगा, तब भी मुझे उम्मीद नहीं दिखती। तो फिर इसीलिए यह करी चाहे कृष्ण कहो या राम।